सो हेलो मेरे दिल के टुकड़ों, देखो इससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके गालियां दो और बोलो आज भाई टपक गए क्या, चैनल का आईडी पासवर्ड भूल गए क्या। तो देखो उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टोरी टाइम इस बार जल्दी आएगा जल्दी आएगा जल्दी आएगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता है, हमेशा लेट हो जाता है और आप लोगों को वेट करना पड़ता है। आपका गुस्सा जायज है मैं समझ सकता हूँ, तो अभी कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों को जो बोलना है बोल सकते हो, अपना गुस्सा निकाल सकते हो। लेकिन कल पता है क्या हुआ, हालांकि मैंने फेस रिबिल नहीं किया लेकिन फिर भी ऐसे काफी सारे लोग जो मेरे को अच्छे से जानते हैं अच्छे से पहचानते हैं, तो जब भी मैं बाइक से लेकर बाहर जाता हूँ तो कोई ना कोई मेरे को मिल ही जाता है। और कल ही मेरे को एक लड़का मिलता है, मेरी बाइक रुकवा लेता है। मुझे लगता है हमेशा की तरह नॉर्मली मिलने के लिए बाइक रोकी होगी, मैं बाइक रोक लेता हूँ और मेरे को बोलता है हेलो आश भाई कैसे हो, मैं उसके साथ हैंग आउट करता हूँ और बोलता हूँ एकदम मस्त यार मेरे दिल के टुकड़े, आप बताओ आप कैसे हो। वो थोड़ा गुस्से में बोलता है दिल का टुकड़ा, किस बात का दिल का टुकड़ा, आपसे एक स्टोरी टाइम तो डाला नहीं जाता, आपने पिछली बार वीडियो डाली थी और आपकी वीडियो देखने के लिए स्टोरी टाइम देखने के लिए मैंने मोबाइल का रिचार्ज कराया था, लेकिन अभी एक महीने से ज्यादा हो गया मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया लेकिन तुम्हारा स्टोरी टाइम का नेक्स्ट पार्ट नहीं आया। और ये बात मेरे दिलो दिमाग किडनी गुर्दे सभी पे लग गई, मेरे को रिलाइज हुआ सच में स्टोरी टाइम को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तो मेरे दिल के टुकड़ों, आप लोगों को पता है आहाना से बचने के लिए मैंने नेहा की हेल्प ली थी और नेहा ने मेरी मम्मी बनकर आहाना से बात की थी। अब नेहा ने इतनी ज्यादा हेल्प की थी तो उसको थैंक्स बोलना तो बनता था, तो मैंने नेहा को थैंक्स बोला, लेकिन नेहा बोलती है थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आपसे मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो जल्दी से इस कैफे में आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूं और चॉकलेट जरूर लेकर आना। नेहा मेरे फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड थी लेकिन फिर भी इसके बावजूद उसने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की, तो इतनी ज्यादा हेल्प करने के बाद मैं ऐसा थोड़ी है कि नेहा को एक चॉकलेट के लिए मना कर दूं, मैं बोलता हूं ठीक है नेहा कोई बात नहीं मैं कैफे में आता हूं। मैं कैफे में पहुंच जाता हूं और देखता हूं कि एक रेड कलर के ड्रेस में बहुत ही प्यारी लड़की बैठी हुई होती है जिसको मैं पीछे से देख रहा होता हूं, मेरे को लगता है आई थिंक ये नेहा है, लेकिन फिर भी मेरी फटती है, मैं सोचता हूं कि यार ऐसा ना हो कि ये कोई और लड़की हो, मैं इसको नेहा समझ के सरप्राइज दूं और फिर मेरे गालों पे सरप्राइज पड़ जाए, इसीलिए कंफर्म करने के लिए मैं नेहा को कॉल करता हूं। और मेरे कॉल करती है उस क्यूट रेड ड्रेस वाली लड़की का फोन भी रिंग होता है, वो कॉल उठाती है और अपने कानों पर रखकर हेलो बोलती है और तब मेरे को कंफर्म हो जाता है शी इज नेहा। नेहा कॉल उठाकर बोलती है अरे आयुष आप कहां पर हो, मैं आपका कब से वेट कर रही हूं, और मैं बोलता हूं पीछे देखो पीछे। नेहा मेरे को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, वो एकदम से अपनी चेयर से उठकर मेरे पास मेरे को हग करने के लिए आती है, लेकिन उससे पहले मैं उसकी चॉकलेट निकाल कर उसका मुंह पे रख देता हूं और वो मेरे को हग करने से रुक जाती है। नेहा मेरे को बोलती है चलो आओ बैठते हैं, मैं वहां पे बैठता हूं और मैं देखता हूं कि टेबल पे खाने की बहुत सारी चीजें पड़ी होती है और खास करके मोमोज, फिर मैं सोचता हूं कि अरे एक चॉकलेट देख के इतना कुछ खाने को मिल रहा है ये तो बहुत बढ़िया बात, बस दिमाग में ये बात चल रही थी कि बिल मेरे नाम पे ना फटे, लेकिन बिल ऑलरेडी नेहा ने कर दिया था। और अब मैं बैठ के सोचने लगा कि यार ऐसा भी क्या हो गया, क्योंकि नेहा मेरी फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड है लेकिन इसके बावजूद भी इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और चलो ठीक है हेल्प कर भी दी तो मैंने उसको थैंक यू बोला, लेकिन इसमें मिलने की क्या जरूरत थी, और चलो मान लो एक बार को मिल भी लिए तो उसमें इतनी ज्यादा खुशी की क्या जरूरत है कि मेरे को हग कर ले या फिर इतनी सारी चीजें ऑर्डर करे, वो भी सिर्फ एक चॉकलेट के लिए। ये गड़बड़ है बाबा, कुछ ना कुछ तो मेरे को गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि चॉकलेट तो मैं सिर्फ 200 रुपए की लेकर आया था लेकिन वहाँ पे इतना सारा जो खाने का सामान था वो 2000 से ज्यादा का था, ऊपर से नेहा इतना ज्यादा रेडी होकर आई थी, तो मैं सोच रहा था कि यार एक चॉकलेट के लिए थोड़ी ना कोई इतना कुछ करेगा। ये गड़बड़ है बाबा, मैं अपने सोच के समुद्र में डूबा ही होता हूँ और इतनी देर में मेरे को एकदम से आहाना का कॉल आ जाता है, नेहा भी देख लेती है कि मेरे को आहाना कॉल कर रही है, मैं सच बताऊँ मेरी बहुत बुरी तरीके से फटी हुई थी लेकिन फिर भी मैं नॉर्मली रिएक्ट कर रहा था। आहाना का कॉल देखकर नेहा मेरी तरफ देखती है और मैं आहाना की कॉल को देख रहा होता हूँ, फिर इतनी देर में नेहा बोलती है अच्छा कॉल उठाओ और स्पीकर पे करो। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते उस टाइम मेरी कितनी बुरी तरीके से फटके चार हो चुकी थी, क्योंकि नेहा को मैंने बोला था कि आहाना मेरे पीछे पड़ी है लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मैं और आहाना हम दोनों का 50-50% था, लेकिन नेहा बोलती कि कॉल स्पीकर पे करो और मैं कॉल स्पीकर पे करता तो उसको पता चल जाता कि यार आहाना मेरे पीछे नहीं पड़ी है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, मैं अपना शैतानी दिमाग लगाने का ट्राई कर रहा होता हूँ, लेकिन इतनी देर में खुद नेहा आहाना का कॉल पिक कर लेती है और फोन को स्पीकर पे कर बोलती है चलो बात करो, फिर आहाना की आवाज आती है, आहाना बोलती है क्या हुआ इतना टाइम क्यों लगा कॉल उठाने में, मैं बोलता हूँ अरे सॉरी यार मैं बाथरूम में था, फिर आहाना बोलती है अच्छा तो तुम घर पे हो, मेरे को लगता है कि यार ऐसा ना हो कि नेहा और आहाना ये दोनों मिली भी हो और मेरा बैंड बज जाए, फिर बोलता हूँ नहीं नहीं मैं घर पे नहीं हूँ, फिर बोलती है अच्छा तो कहाँ पर हो, मैं बोलता हूँ अरे मैं कैफे में आया हूँ यार मोमोज खाने के लिए, फिर आहाना बोलती है अच्छा बेटे किसके साथ, आहाना मजाक में बोलती है लेकिन मजाक में मेरी बहुत बुरी लग जाती है बहुत बुरी फट जाती है, फिर आहाना बोलती है अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ तो मोमोज खा लो फिर आराम से मेरे को कॉल बैक करना। आहाना का कॉल कट होता है तो मेरे को बहुत दिल को सुकून मिलता है, मैं सोचता हूँ यार फाइनली बच गया, लेकिन जैसे मैं ऊपर देखता हूँ तो यार नेहा मेरे को बहुत ही घूर के देख रही होती है, ऐसा लगता है कि यार वो खाने की जगह मेरे को ही खा जाएगी। नेहा बोलती है तुम इसको झूठ क्यों बोल लेते हो, इतना डर क्यों रहते, इसमें डरने वाली क्या बात है, साफ साफ बोल देते कि कैफे में आओ, मैं बोलता हूँ अरे यार अब क्या बताना
हर किसी को, छोड़ो ना। फिर नेहा बोलती है अच्छा छोड़ो इन सबको, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूं। मैं बोलता हूं गिफ्ट, अरे गिफ्ट की क्या जरूरत है, आपने चॉकलेट मांगी और मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आ गया, लेकिन इससे ज्यादा खर्चा तो आपने यहाँ पे करते और आप बोल रहे हो गिफ्ट भी लेकर आई हो। नेहा बोलती है अरे मेरे को चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बोलता है क्या मतलब, तो बोलती है अरे मतलब चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे तो आपसे मिलना था। फिर इतनी देर में फिर नेहा मेरे को एक गिफ्ट देती है और गिफ्ट में एक वॉच होती है जो कि काफी ज्यादा प्यारी होती है और काफी ज्यादा महंगी भी होती है। नेहा बोलती है अच्छा अपना हाथ दो, मैं अपना हाथ देता हूँ। फिर मेरे हाथ में नेहा वॉच पहना देती है। बोलता हूँ अरे नेहा इसकी क्या जरूरत थी इतनी महंगी वॉच लाने की, तुमको क्या जरूरत थी बताओगी। फिर नेहा बोलती है जरूरत क्या, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैं बोलता हूँ अरे नेहा आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया और वो मेरे लिए सच में बहुत ही ज्यादा है, आपने मेरे को सच में बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, ये सब तो मुझे आपके लिए करना चाहिए था, मुझे आपके लिए गिफ्ट लाने चाहिए थे, मुझे आपको पार्टी देने चाहिए थी, लेकिन उल्टा आप मेरे लिए कर रहे हो और मैं बस मुंह उठा के आपके लिए सिर्फ 200 रुपए की चॉकलेट लेकर आया। नेहा बोलती है आपके लिए ये चॉकलेट सिर्फ 200 रुपए की है, लेकिन इस चॉकलेट को मैं किसी को 2 लाख में भी ना दूं। हाँ मैं जानता हूँ कि कुछ ज्यादा हो गया, मेरा भी रिएक्शन ये था कि है कुछ भी, सच में कुछ भी। और फिर मैं नोटिस करता हूँ कि वॉच पहनाने के बाद नेहा ने मेरा हाथ छोड़ा ही नहीं है, वो इतने टाइम से मेरे हाथ पकड़ कर ही मेरे से बात कर रही थी जैसे हम लोग कोई कपल्स हो। फिर नेहा मेरी आंखों में देखकर मेरे से बोलती है अच्छा बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे एक्चुअल में नेहा काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी और मैंने उसको यही बोला कि सच में नेहा आप बहुत ज्यादा प्यारे लग रही हो और आपकी ड्रेस सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है क्योंकि रेड कलर मेरा फेवरेट है। फिर नेहा बोलती है यस आई नो आपका रेड कलर फेवरेट है, इसलिए मैं ये ड्रेस पहन कर आई हूं। मैं बोलता हूं अरे आपको कैसे पता कि मेरा रेड कलर फेवरेट है। फिर नेहा बोलती है मुझे सिर्फ ये पता कि आपका रेड कलर फेवरेट है, मुझे ये पता है कि आपका ब्लैक कलर भी फेवरेट है, रेड कलर भी फेवरेट है और आपके फेवरेट मोमोज, इसलिए मैं आपके लिए ब्लैक कलर की वॉच लेकर आई हूँ, आपके लिए मोमोज ऑर्डर किए हैं और आपके लिए मैं रेड कलर की ड्रेस पहन कर आई। और तभी मैं नोटिस करता हूँ ओ फक भाई ये तो सच है यार, सच में इसने मेरे को ब्लैक कलर की वॉच दी है, वो भी इतने ज्यादा एक्सपेंसिव, मेरे लिए मोमोज मंगाए और रेड कलर की ड्रेस पहन कर आई है, इसको कैसे पता मेरे बारे में इतना सब कुछ। उस टाइम में मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी कैफे में किसी लड़की के साथ बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जेल में बैठा और मेरे सामने कोई पुलिस ऑफिसर है जिसको मेरी सारी हरकतें पता हैं और मेरी अभी बुरी तरीके से लगने वाली है। फिर नेहा बड़ी प्यार से मेरी आंखों में देखती हुई बोलती है आयुष सुनो ना। मैं बोलता हूँ हाँ बोलो ना। फिर नेहा बोलती है देखो यार मुझे तुमसे ना बहुत कुछ शेयर करना है, अपनी बहुत सारी बातें बतानी है और अपनी बहुत सारी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डरती हूँ कि तुम्हारा रिप्लाई क्या होगा, तुम कैसे रिएक्ट करोगे। ये गड़बड़ है बाबा। अब आप बताओ कि अगर आप लोग मेरी जगह इस सिचुएशन में होते तो आप लोग क्या करते। ज्यादा मत सोचो, आप लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कुछ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए और जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था, तो हम लोग यही बोलते हैं कि हाँ बताओ ना क्या बात है। फिर नेहा मुझे कुछ ऐसा बताती है जो मेरी फटके पहले 4 हुई थी और वो सुन के मेरी फटके 8 हो जाती है। सच में भाई ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और आप लोग भी बिल्कुल भी नहीं सोच सकते जो हुआ, लेकिन सच में वो सुनने के बाद ना मैं सोच रहा था ओ भाई आखिर ये कैसे हो सकता है। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि ऐसा आखिर क्या हुआ होगा, बाकी क्या हुआ था वो तो मैं आप लोगों को अगली स्टोरी में बता ही दूंगा और इस बार पक्का पक्का मेरे दिल के टुकड़े इस बार पक्का स्टोरी टाइम जल्दी आ जाएगी। बस आप लोग 5000 लाइक कंप्लीट कर दो और मेरे को कमेंट करके बताओ कि आखिर नेहा ने ऐसा क्या बोला जो मेरी फटके 4 से 8 हो गई। चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, मेरी तो लगी पड़ी थी बट आप लोग अपना ख्याल रखना। आई लव यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑल।